तो स्वागत है दोस्तों आज की इस नए वीडियो में। मैं हूं निखिल। हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इस कंपाउंड पढ़ रहे थे और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, उसके साथ उसमें जानेंगे अल्केन्स क्या होता है, अल्कीन्स क्या होता है, अल्काइन्स क्या होता है, सबका स्ट्रक्चर भी जानेंगे और क्या क्या नाम होते हैं इनके, सारे हम लोग नाम इसमें जानने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वाले पार्ट को। तो सबसे पहले समझते हैं हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है। जैसे नाम से भी क्लियर है हाइड्रो और कार्बन, वैसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो और कोई कुछ और नहीं, कोई दूसरा एलिमेंट नहीं हो, वैसा कंपाउंड को हम लोग कहेंगे हाइड्रोकार्बन। ऑल दीज कार्बन कंपाउंड विच कंटेन्स जस्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। वैसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, ठीक है, नंबर कुछ भी हो सकता है, स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह से बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर हो, लेकिन अगर सिर्फ उसमें हाइड्रोजन और कार्बन है तो उसको हम लोग कहेंगे हाइड्रोकार्बन, ठीक है। जैसे कि मीथेन CH4, ठीक है, इथेन C2H6, ठीक है, बेंजीन C6H6, साइक्लोहेक्सेन C6H12, ठीक है, उसी तरह पेंटेन C5H12, ठीक है। तो सब में देखो आप कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन, नंबर कुछ भी हो सकता है लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए, तो उसको हम लोग कहेंगे हाइड्रोकार्बन। जैसे इथाइन गैस C2H2, ठीक है, कार्बन एंड हाइड्रोजन होंगे तो उसको हम लोग कहेंगे हाइड्रोकार्बन। ओके, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं अल्केन्स के बारे में, ठीक है। यहाँ पे आप नाम पे ध्यान दो, अल्केन्स, ANE, इस चीज को आप ध्यान रखना, ठीक है, ANE, यही काम आने वाला है। ओके, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसने सिंगल बाउंड हाइड्रोजन का, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं, उन सब को हम लोग अल्केन्स के नाम से जानते हैं, बशर्ते कि वो ओपन चेन होना चाहिए, ओपन चेन में होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तो उसको हम लोग अल्केन्स के नाम से जानेंगे। जैसे कि हम लोगों ने सिंगल बॉन्ड वाला जो सैचुरेटेड कार्बन पढ़ा था ना, ऐसे सिंगल सिंगल कार्बन चेन होना चाहिए, ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे अल्केन्स, ठीक है। अब इसमें और भी डिटेल आने वाला है, अब यहाँ पे आप ध्यान दो। तो ये नंबर लिखा हुआ है, नंबर ऑफ कार्बन एटम के हिसाब से अल्केन्स को अरेंज किया गया, वैसा अल्केन्स जिसमें कार्बन का नंबर 1 हो, सिर्फ एक कार्बन हो, उसको हम लोग कहेंगे मीथेन, METH, मीथेन, ANE, यहाँ पे ध्यान रखना, ANE आ रहा है मतलब कि अल्केन है, ठीक है, अल्केन का ANE यहाँ पे आ रहा है। स्ट्रक्चर हो जाएगा कार्बन एक है तो कार्बन को सेटिस्फाई करेंगे और हाइड्रोजन, ये हाइड्रोकार्बन का ही है एग्जाम्पल, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन सब हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी तक मैंने CH4 का जो फॉर्मूला लिख दे रहा था, CH4 कहाँ से आ रहा, तो यहीं से आ रहा। तो जो 1 होता है जिसमें कार्बन के नंबर 1 होते हैं तो उसको कहेंगे मिथ, जो 2 नंबर होता है उसको इथ, थर्ड नंबर होता है प्रोप, उसके बाद फोर्थ नंबर को ब्यूट, 5 नंबर को पेंट और 6 नंबर को हेक्स, ठीक है, इस नाम से जानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अल्केन है तो सब में ANE जोड़ देंगे, तो अगर एक कार्बन एटम है और सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो मीथेन हो गया। 2 नंबर है मतलब 2 कार्बन का नंबर 2 है तो वहां पे उसको कहेंगे इथेन, 3 नंबर है कार्बन का तो वहां पे कहेंगे प्रोपेन, 4 नंबर है तो ब्यूटेन, 5 नंबर है तो पेंटेन, 6 नंबर है तो हेक्सेन के नाम से उसको जानेंगे। अभी हमें हेक्सेन तक पढ़ना है, इसके बाद भी होता है, 7 नंबर का रहेगा तो उसको हम लोग हेप्टेन कहेंगे, 8 नंबर का रहेगा तो उसको हम ऑक्टेन कहेंगे, 9 नंबर कार्बन का नंबर 9 रहेगा तो न्यूएन कहेंगे, और 10 नंबर रहेगा तो डेकेन कहेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग को हेक्सेन तक ही पढ़ना है, इसलिए हेक्सेन तक ही जानेंगे। अभी यहाँ पे देखो मीथेन हो गया, तो मीथेन में CH4 सिंगल कार्बन, इथेन है तो इथ मैंने 2, प्रोप मैंने 3, इस तरह से कार्बन का अरेंजमेंट आप तो सीख ही चुके हैं, कार्बन के आगे चारों टेट्रावेलेंसेस को फुल करना, बाकी हाइड्रोजन से फुल हो जाएगा, इथेन ये बाकी 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो गया कार्बन कार्बन आपस में जुड़ के, ठीक है। अब बात यहाँ पे आती है कि कैसे पता चलेगा कि इसका फॉर्मूला जो आ रहा है CH4 है, इसको याद करने का कोई शॉर्टकट तरीका, हाँ शॉर्टकट तरीका है, यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है, ये एक फॉर्मूला पे आप सेट करोगे तो सारा निकल जाएगा। जैसे कि मीथेन, मीथेन में एन का जो है वो 1, 2, 3, 4 भराएगा, ठीक है, तो CN, तो सी का वैल्यू हो गया सी के बाद 1, और हाइड्रोजन में यहाँ पे भराएगा 2N है तो 2+2 यहाँ पे हो जाएगा 4, तो C1 तो लिखते नहीं है, CH4 यहाँ पे हमारा फॉर्मूला निकल जाएगा मीथेन का। उसी तरह से इथेन में होगा प्रोपेन, हम प्रोपेन का पुट करके देखते हैं, फॉर्मूला क्या है CnH2n+2, तो C पे 3 हो गया,
हाइड्रोजन पे 3 2 6 + 2 बराबर हो गया C3H8। देखो फॉर्मूला निकल गया, ठीक है। ये होता है अल्केन का फॉर्मूला, ठीक है। जहां पे भी अल्केन का फॉर्मूला निकालने का आ जाए, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम दे दिया है 6, ठीक है, 6 निकालना है तो CnH2n कर दो प्लस 2 कर दो, ये फॉर्मूला लगा दो, तो C6 6 2 12 + 2 14। देखो ये बन गया हेक्सेन, यहाँ पे देखो आ गया, सेम हो गया ना, ये हो गया हेक्सेन। इस तरह से इसी फॉर्मूला की यूज करके आप किसी भी अल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला निकाल सकते हो। ये तो स्ट्रक्चर जो इसका बन रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले कार्बन कार्बन को जोड़ना, अल्केन है तो सिंगल बॉन्ड होगा, पहले कार्बन कार्बन को जोड़ देना, उसके बाद जितने टेट्रावेलेंस से फुल करते हुए जाओ और हाइड्रोजन को फुल कर देना। इसको शॉर्ट में भी लिखते हैं, जैसे कि CH4 है जो इसका स्ट्रक्चर बना है, इसको तो CH4 लिख देंगे, ठीक है। इसको शॉर्ट में लिखने के लिए CH3, अब हाइड्रोजन को इतना फैला फैला के लिखने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए इसको शॉर्ट में CH3 लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से भी स्ट्रक्चर इसको बनाते हैं। अब इसका देखो CH3 पहला वाला हो गया कार्बन के साथ 3s3, उसके बाद यहाँ पे कितना है 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे CH2, उसके बाद फिर लास्ट में देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन CH3 लिखेंगे। उसी तरह से ब्यूटेन को लिखेंगे तो CH3 पहला वाला, ये वाला पार्ट मैंने लिखा, फिर एक बॉन्ड है, बॉन्ड लगा दिया, फिर देखो यहाँ पे CH2 है, 2 हाइड्रोजन है, CH2 हो गया, ये वाला पार्ट खत्म। अब ये वाला पार्ट लिखो CH2, ये भी पार्ट खत्म, अब ये वाला पार्ट लिखो CH3, ठीक है। तो इस तरह से भी इसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो कार्बन चेन स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, तभी अल्केन अल्कीन अल्काइन ये चीज बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से अल्केन का पूरा हम लोग स्ट्रक्चर लिख लिए। अब हम लोग बात करेंगे अल्कीन्स की, ठीक है। यहाँ पे अनसेचुरेटेड हो जाता है, जैसे कि मैंने बताया था सेचुरेटेड वाला में सिंगल बॉन्ड होता है, अनसेचुरेटेड बॉन्ड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे आप देखो तो अल्केन में क्या था, AlkaneAne था ना, यहाँ तो S लगा हुआ, मतलब कि बहुत सारे अल्कीन्स को रिप्रेजेंट कर रहा, इसलिए S लगा हुआ। यहाँ पे देखो अल्केन में Ane था, यहाँ पे चेंज होकर Ene हो गया। अब यहाँ पे पकड़ के रखो, अब नाम को ही पकड़ना है, ठीक है। कहाँ पे नाम के लास्ट में देखो Ane लगा हुआ है, Ene लगा हुआ है, उससे हम लोग को डिफरेंस पता चलेगा। तो वैसा हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या एक से अधिक डबल बाउंड हो, उसको हम लोग अल्कीन्स कहेंगे, ठीक है। अब जैसे कि मिथेन वाला में तो होगा नहीं, क्योंकि उसमें दो कार्बन कार्बन के बीच में ही चाहिए, अब यहाँ पर तो दो कार्बन कम से कम चाहिए, तो कार्बन कार्बन दो ठो ले लिए और बाकी हाइड्रोजन को एडजस्ट कर दिए, ठीक है। तो दो कार्बन है तो इथ हो जाएगा ETH, और डबल बॉन्ड है तो ENE, इथीन ऐसे ही बनता है, ठीक है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, यहाँ पे इथेन बना था ना ETH ANE, ठीक है। इथीन बनना है तो ETH और ANE की जगह पे ENE लगा लेंगे, तो अनसेचुरेटेड प्रोपीन बनेगा, PROPENE प्रोपीन बनेगा। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन रहा है, एक जगह यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, यही चीज यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इथीन ये हो जाएगा, प्रोपीन बनाना तो कैसे, कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे आप देखो चारों टेट्रावेलेंसी कार्बन की सबसे पहले चेक करो पूरा हो गई, बाकी इथीन यहाँ पे प्रोपीन बन गया, PROPENE, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा C3H6, ठीक है। तीन यहाँ पे हाइड्रोजन सी थ्री से, जैसे अल्केन में फॉर्मूला होता है CnH2n+2, अल्कीन का भी होता है, हाँ होता है, इसका फॉर्मूला नोट कर लो, आपको जाता है CnH2n, बस इतना ही होता है। अल्केन का क्या था, CnH2n+2 था, इसमें प्लस टू नहीं होगा, CnH2n ही सिर्फ रहेगा, ये बन जाता है अल्कीन का फॉर्मूला। कोई भी नंबर का लिखना है, जैसे कि ब्यूटीन लिखना, BUTENE, ब्यूटीन का कितना होता है, ब्यूट मतलब 4, ठीक है, इन है मतलब कि डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो C4 CnH2n से लिखेंगे तो सी और एन है तो 4 हो गया, और H2n 2 टाइम्स कर देंगे तो 4 2 8, C4H8 होगा। इसका आप स्ट्रक्चर बनाने का कोशिश करो कॉपी पेन, अभी वीडियो को पॉज करके, मजा आएगा बनाने में। एक जगह यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, बाकी सब सिंगल बॉन्ड रहेगा, ये अल्कीन हो गया, ठीक है, ENE लगा हुआ, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली आता है अल्काइन, जहां पे डबल बाउंड के जगह पे अब ट्रिपल बाउंड हो जाएगा, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच कंटेन वन और मोर ट्रिपल बाउंड, ठीक है, उसको अल्काइन कहेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़े, अल्केन पढ़े ANE, फिर सिंगल बाउंड के लिए ENE, अल्कीन पढ़े डबल बाउंड के लिए, अब हम लोग पढ़ रहे हैं YNE,
ट्रिपल बॉन्ड के लिए, ठीक है। जानते ही है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, तो यहाँ पे हम लोग ट्रिपल बॉन्ड के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होगा, इसका भी सेम इसी तरह से फॉर्मूला हो जाता है CnH2n-2, ठीक है। अल्कीन का क्या था, CnH2n था, अल्केन का CnH2n+2 था, इसका -2 हो जाएगा। ध्यान रखना, अल्केन अल्कीन अल्काइन, अल्केन का CnH2n+2, अल्कीन का CnH2n और अल्काइन का CnH2n-2, ठीक है। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला बनाने की कोशिश करो, प्रोप वाई एन ई, प्रोप इन का प्रोप माने तीन होता है, ठीक है, याद है। तो CnH2n-2, तो सी एन प्रोप इन का तीन कार्बन होगा, तो C3 हो गया, और H पे 3, 2 जा 6, 6-2 का दो 4 हो जाएगा, ये बन गया अल्किन। स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो, कार्बन कार्बन कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे, अल्काइन है, एक जगह तो ट्रिपल बॉन्ड दे दो पहले। अब हाइड्रोजन कितना है, 4 है, यहां से स्टार्ट करो, 3 इसको मिल गया, इसकी टेट्रावैलेंसी पूरी। इसमें देखो इसकी तो टेट्रावैलेंसी पहले से ही पूरी है, ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन जाएगा ही नहीं। यहां पे देखो 3 यहां पे, इसको कमी है 1 है, ये बन गई हमारी प्रोप ई, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। अब इसी तरह से आप किसी का भी निकाल सकते हैं, ब्यूटेन प्रोपीन हेक्साइन, ठीक है, HEXYNE, इसका भी आप निकाल सकते हो, किसी का भी निकाल सकते हो। अभी क्वेश्चन बनाते हैं, हेक्साइन का ही हमें निकालना है स्ट्रक्चर। हेक्साइन है मतलब कि YNE है, पहले यहाँ पे पढ़ो, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n-2, ठीक है। हेक्स है मतलब 6 है, कार्बन का नंबर कितना है, 6 है, तो कार्बन 6, H पे 6, 2 जा 12, -2 बराबर हो गया C6H10, ठीक है, ये हमारा निकल गया। अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, कार्बन का नंबर कितना है, 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 3, 6 हो गया। अब जो ये ट्रिपल बॉन्ड है, अभी के लिए आप कहीं पे भी दे सकते हो, लेकिन बाद में आगे हायर क्लास में जाओगे तो वहां पे नाम चेंज हो जाएगा, अभी के लिए मैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड हो गया, साइन है, वाई एनी है, तो ट्रिपल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन को यहाँ पे फिट करना है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये कार्बन तो सेटिस्फाइड है, एक बॉन्ड इससे और 3 यहाँ पे, कार्बन सेटिस्फाइड, टेट्रावैलेंसी पूरी। यहाँ पे कार्बन में 3 बॉन्ड इधर, एक कार्बन बॉन्ड इधर, से ये भी कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे पूरी, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है, इस कार्बन पे नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, इस पे भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, इस पे भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगेगा। देखो कार्बन चारों ओर से 4 बॉन्ड इसको मिल गए, यहाँ पे 3 और 1 4, इधर 3 1 4, यहाँ पे 4, टोटल हाइड्रोजन गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, C6H10, कार्बन का नंबर 6 है, H, तो यहाँ पे हेक्साइन इस तरह से निकल गया। इसी तरह से करके आप किसी का भी निकाल सकते हो अपने प्रैक्टिस करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, मिलते हैं अगले वीडियो।